कैसा लग रहा है ये रिकॉर्ड बनाकर? बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं खुद में अब बिलीव कर रहा है मैंने, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला रिकॉर्ड लेके। आप अपने ही जैसे और बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये सजेशन दूंगा कि उनको उसी चीज में आगे बढ़ना चाहिए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो। आपका नेक्स्ट गोल क्या है देवांश आगे लाइफ में? मैम अब नेक्स्ट गोल यही है, मैं इसी तरह से रिकॉर्ड बनाने आगे, और मैं बड़े बड़े रिकॉर्ड ले। उसके लिए आप कैसे प्लानिंग करते हैं डेली? अब मैं रूबिक्स क्यूब में करता हूँ, तो मैम रूबिक्स क्यूब में रोज देखता हूँ कि किसमें मैं बना सकता हूँ। तो उसके लिए आपको फोकस और प्रैक्टिस लगती होगी। yes, उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, डेली 30-35 मिनट्स, एंड वीकेंड में मैं थोड़ा ज्यादा टाइम देता हूँ, जैसे लाइक 1.5। थैंक यू सो मच देवांश, यू मे टेक योर सीट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज विपिन कुमार शाह। Please come on stage. विपिन जी, हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मेरा रिकॉर्ड का जर्नी शुरू हुआ 2015-16 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तब 48 साल एक ही कंपनी में मैंने कंप्लीट किए थे, भारत पेट्रोलियम। इट इज महारत्न स्टेटस है, फॉर्च्यून 500 कंपनी। 2016 में मुझे एक मौका मिला, डॉक्टरेट मिली ऑनरस डॉसिया थ्रू वर्ल्ड रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी। 2017 में ऐसा ही फंक्शन किया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने, 2017 में इंडिया रिकॉर्ड होल्डर्स एट अ वर्ल्ड स्टेज, वो विज्ञान भवन में हुआ। 2018 में पहले एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया 40 इयर्स, एंड 2019 में जब रिटायर हुआ तब मेरी सर्विस हुई थी 42 इयर्स 2 मंथ्स एंड 13 डेज, तो ये सेकंड एशिया बुक मिला। और अभी हाल ही में एक नया मैंने एक PhD की है एक ई व्हीकल्स पे, तो इसी तरह मेरे पास 2 डॉक्टरेट डिग्रीज है। कंग्रेचुलेशन सर। सर 40 साल तक किसी भी कंपनी में काम करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। तो उसके लिए बहुत पेशेंस और डेडिकेशन लगता है सर। तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? काफी चैलेंजेस थे, काफी कंपनी के वर्टिकल्स में काम किया, प्रॉब्लम्स बहुत आते थे। टीम लीडर बोल के टीम को लेके चलना ये बहुत बड़ी बात होती है, और बहुत अच्छी तरीके से अच्छे सेंसिटिव पोस्ट पे मैंने काम किया और बेदाग बाहर निकला। थैंक यू सो मच सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंडेवर्स। इट वाज अ प्लेजर स्पीकिंग विद यू सर। थैंक यू सो मच, यू मे टेक योर सीट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज एस सिंधु। Congratulations. आप हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। माय रिकॉर्ड इज मिनिएचर वर्क। एक्चुअली आई हैड रिटन तिरुकुरल बुक व्हिच इज 1330 कुरल्स आर देयर, दैट इज इट इज अ पोएम्स। सो आई हैड रिटन इन 68 पेजेस, ईच पेज कंसिस्ट ऑफ 10 तिरुकुरल्स, सो इट द लेंथ विल बी 4.3 सेंटीमीटर, ब्रेथ विल बी 4.5 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड दिस बुक? मोटिवेशन इज माय एजुकेशन। एक्चुअली our family is just a very complex family. The thing is, why should women have education? So in order to overcome that, so I just used to think that if I just run any record work, then it will be moving forward. So that only I created that. It took 2.5 months for me to done the record work. Thank you so much. Thank you. You may take your seat. Next, I would like to call Angel Umesh Malewa. Please take the seat. Hi, please share a brief about your record. My name is Angel Umesh Malewa, and I've achieved 2 India Book of Records. First one was for that I completed computer science course from Harvard University with a score of 98.65% at the age of 30. And the second India Book of Records I achieved for making ChatGPT's clone at the age of 13 with so many programming languages and frameworks like JavaScript, React.js, Node.js and Python. Excellent. What's your future goal? I want to I have a company, Angels AI Technologies. I'm the co-founder of that company, and under that company I take seminars, workshops, masterclasses, webinars and online training and offline too.
in the subjects of artificial intelligence, computer science, and cybersecurity. So, yeah, my ultimate the aim is to empower and educate people with these fields. Thank you so much, Angel. All the best for the future endeavors. Thank you so much. You may take your seat. Next, I would like to call Subala Maharana on stage, please. Sir, please share a brief about your record. Namaskar. मेरे को जब कोविड हुआ था उसमें टाइम में मैं घर में बैठते बैठते हमारा आंगन में जो था बेल नेम तुलसी वो लकड़ी में हम एक वर्ल्ड का सबसे मिनिएचर चैरियट बनाया ये लिखे इसमें जो जगन्नाथ का जो वर्ल्ड सबसे बड़ा है पूरी में बड़ा रथ होता है ये वर्ल्ड का सबसे मिनिएचर है इसमें 16 व्हील्स है वो खींचते वो रथ चलता है और इसमें ये सुपारी में ये तुलसी में ये अलग अलग 5 रुपये चीज में ये बनाया ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड भारत बुक ऑफ रिकॉर्ड ये सब 12 कंट्री से ये रिकॉर्ड हुआ है पूरा टोटल Excellent. Thank you so much, sir. Thank you for sharing ये this. खाली आँखी में नहीं देख सकते, इसलिए मैं ग्लास लेकर देखेंगे. नीम का जो जगन्नाथ का इसके अंदर में है, देख सकते हैं. Thank you so much, sir, for sharing this with us. You may take your seats. Thank you so much. Next, I would like to call Sevi Singh on stage. Congratulations, Sevi. Thank you very much. Can you share a brief about your record? Actually, my record is about my photographic memory. Through my memory, I'm able to recall the stories I have read by just seeing their pictures. So basically, when I see their pictures, I remember the whole story and can narrate them. What has been the contribution of your parents in this? My mom is my mentor. She taught me storytelling from a very young age. She taught me how to read books and my father helps me in getting as many books as I want. Okay. Sevi, aapka future goal kya hai? My future goal is to set the Guinness World Record. For that, I wish to do it because storytelling is a very small art at this time and I wish to promote it and spread awareness of love of books. Thank you so much, Sevi. All the best for this. Thank you. You may join the seat. Thank you. I now request all the record holders to proceed for the next activity. They may go to the selfie museum. रेडपिक की मदर से मैं पूछना चाहूंगी आप हमें रेडपिक के रिकॉर्ड के बारे में ब्रीफ दीजिए प्लीज रेडपिक ने हुला हूप में 41 मिनट्स में 4141 हुला हूप स्पिन्स किया है कंटिन्यू और इसने हमें बहुत प्राउड फील कराया है ये करके इतने छोटे से उम्र में इसने बहुत अच्छा किया और इसका बहुत मोटिवेशन है ये आगे भी बहुत अच्छा कर रहा है अपनी स्पेंड करके राउंड घूम के इसने बहुत अच्छा अभी भी उससे आगे भी और किया है तो हम चाहेंगे कि ये हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे थैंक यू सो मच आपने इसको प्रैक्टिस कैसे कराई प्रैक्टिस हमारे हमने इसको बहुत मोटिवेट किया इसका बहुत इंटरेस्ट था हुला हूप में तो एक सर आरवी सर करके हैं वो बहुत मोटिवेट करके आगे Thank you so much. You may take your seat. Thank you. Now I would like to call Piyali Ghosh on stage. Okay. So, this is my model is inspired by Dakshinisha Temple, which is a very famous
Kali Mata temple in Kolkata, and it is 169 years old. And this is the I have made the smallest miniature, the Kineshwar temple. I have to make this model. I have used just waste cardboard, some color papers, and acrylic colors. And the size is very small, like my palm, you can see here. So this is 6.5 inches long and 2.1 inches wide. And to make this model, I have taken approximately 16 hours. Thank you so much, Ms. Tyali. You may take your seat. Next, I would like to call on stage Daulat Ram Gupta. Sit, bat ke bole, bat ke bole, khade ke bole, bat ke bole. Yes. सर अपने रिकॉर्ड के बारे में हमें बताइए। मैं करेंसी नोट कलेक्शन में मेरा रिकॉर्ड बनाया है। इसमें 195 जो यूएनओ मेंबर कंट्रीज है, वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका करेंसी नोट मेरे पास ना हो। 195 यूएनओ जो रजिस्टर्ड कंट्रीज है उनका, उसके अलावा 69 ऐसी कंट्रीज जो यूएनओ मेंबर नहीं है उनका मैंने कलेक्शन किया है। मोर देन 3000 नोट्स मेरे पास है। मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये 100 रुपए का नोट, ये 1000 रुपए का नोट शायद किसी ने नहीं देखा होगा। इंडिया का नोट है 1000 रुपए का नोट। और ये अपना इसका नोट है जिसमें हैंड रिटन ये नोट है तिब्बत का जी। ये हैंड मेड नोट है। इसके अलावा ये अमेरिका का $2 का नोट है। ये अनकट नोट है, चार नोट एक साथ में है। ये थाईलैंड का नोट है इतना बड़ा। और ये इंडोनेशिया का नोट है, मुस्लिम कंट्री है, इस पर गणेशा बना हुआ है। और ये जापानीज ऑक्यूपाइड इंडोनेशिया, जब इंडोनेशिया पे जापान का राज था उस वक्त ये नोट निकला था। इसमें घटोत्कच का जो अपने हिस्ट्री में भीम का लड़का था घटोत्कच, ये उसका फोटो है घटोत्कच। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नोट में मोर देन 3000 मेरे पास कलेक्शन है। ये उसके अलावा मैं कॉइन कलेक्शन भी करता हूँ। मेरे 3 रिकॉर्ड हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, लेकिन इस रिकॉर्ड के लिए मैंने वोट किया है। क्वाइन कलेक्शन भी है, स्टैंप भी है। वर्ल्ड में ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसका क्वाइन ना हो, स्टैंप ना हो या नोट ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। यू मे टेक योर सीट। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल सार्थक गोयल। सार्थक हमें अपने रिकॉर्ड के बारे में बताएं। सो माय रिकॉर्ड इज ऑन रिवर्स अल्फाबेट्स इन फ्रेंच, दैट इज फ्रॉम जेड टू ए, रिसाइटिंग रिवर्स अल्फाबेट्स इन फ्रेंच फ्रॉम जेड टू ए एंड द फास्टेस्ट वन इन 10.10 सेकंड्स। हाउ डिड यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एक्टिविटी? Actually it takes around in the direct order from A to Z, we know everybody can say, but in reverse order we have to prepare a lot. So it took me 15 to 20 days to practice again and again, again and again, and even I could break my record also. Thank you so much. Thank you. You may take your seat. Next I would like to call Advita. Advita is quite capable enough to tell her about her own record because she has been quite expressive right from the age of 2.5 years, and she has a lot of many records in other book of records also. Advita, tell about your record. Yes, Advita. Hi everyone, I'm Advita Tivlekar, and I hold the record in India Book of Records and Asia Book of Records for narrating 206 bones of the adult human body along with their names, numbers and other relevant information at the age of 4 years and 3 months, and I'm titled as grandmaster for that. Oh, thank you so much Advita. Thank you. All the best for future endeavors. You may take your seat. Next I would like to call Dr. S. A. Mohan Krishna on stage. Please share a few words about your record. Good morning everyone. I'm an Indian based academician working as a professor in the department of mechanical engineering of Vidyavardhaka College of Engineering, Mysore, Karnataka state.
Initially, I wish to thank India Book of Records for nominating me. Thank you very much. So, I have been selected for India Book of Records for 7 to 8 major achievements. First and the foremost thing, I have been awarded over 250 state, national and international awards, and having affiliations with over 150 nations all over the globe. Secondly, I have over 3,500 online certifications from all parts of the country. Next, I have been invited as the editorial board member and reviewer for over 250 national and international journals. Next, starting from 1993 till date, I have published over 3,000 scientific articles in the field of science, communication and engineering. Also a very staunch astronomy promoter, and set up a small observatory at Mysuru, which I am promoting astronomy in all parts of the nation. Next, I have been selected for IBR Achiever for publishing over 2000 research papers in national and international journals, and summarizing all my achievements, I have been selected as IBR Achiever. Thank you very much. Thank you so much, sir. You may take care. I would now request all the record holders. वो आप ना तो विश्वास करेंगे ना ही कभी सोचा होगा. आप यहाँ देख रहे हैं, ये वियतनाम का रिकॉर्ड हुआ था इसी साल, और आप देख रहे हैं उठक बैठक का रिकॉर्ड. उठक बैठक यानी कि ये आप अगर कोशिश करेंगे, कोशिश मत कीजिए, 10-15 के बाद आपको दुखने लगेगा. सो डोंट ट्राई. सो Mr. Tuan, he is a master of using the power of mind to increase the physical body ability. ये master है दिमाग के power को use करके body को strong करने का. उदाहरण, please come. You can wear the suit. Okay. Udharan, you see her? And ab band kar do ki koi bahar rahe. Bahar rahe koi. Koi bahar rahe koi. Ek jan ko bahar bol do na, koi khada rahe. Phir kyun khol rahe? Inhone, Mr. Tuan ne, jo aap yahan pe dekh rahe ho, hazaron logon ko माइंड ट्रेनिंग देके फ्रॉम 5 years to 50 years दिमाग में ऐसी ट्रेनिंग दी कि वो उस हिप्नोटाइज हो गए, जो मैंने देखा अपनी आँखों से, कि सुबह 8 बजे उठक बैठक लगाना शुरू किया, आप मुझे देख सकते हैं, और शाम को 8 बजे बिना रुके उन्होंने उठक बैठक ख़त्म किया. वो तब जब इन्होंने एज ए ट्रेनर बोला अब और नहीं. इनमें द वन हु मेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिटअप्स वर्ल्ड रिकॉर्ड, दैट रिकॉर्ड इज 23,967, एंड आई माइसेल्फ वाज देयर टू काउंट दैट. मी एंड माय टीम फ्रॉम हियर वाज देयर इन फुअक आइलैंड एंड इन वियतनाम. How to do it, he want to share with the world. For that, he wrote a book, and we'll release the book for a while. Some more would like to join? Would like to join? Co-author. This book is in Vietnamese, and this is also in English. And this book we will publish in India, so that by using the power of mind, anybody can achieve something which is impossible. So now I would like, okay, thank you. Okay, you can go. You can go.
द नेम ऑफ द बुक इज कल्टिवेट हैप्पीनेस मास्टर लाइफ, दैट इज द नेम ऑफ द बुक. एंड हेयर आई वुड लाइक टू आस्क हिम, कैन यू शेयर मिस्टर थवन द सीक्रेट ऑफ यूजिंग द माइंड पावर? Xin chào tất cả các anh chị. Good morning everyone. Rất là biết ơn anh Trường An đã có một sự kết nối đối với Việt Nam với Ấn Độ thông qua tổ chức kỷ lục. We are grateful for Mr. Trường An to connect the Vietnam Book Record to the India Book Record. Can you speak loud? Louder. Xin chào thầy. Biết ơn thầy thầy Vin Vi đã hỗ trợ rất nhiều cho Việt Nam. We are so grateful for Dr. Viswarov for supporting so much for Vietnam. Sức khỏe của con người á, thì có sức khỏe của thể chất, sức khỏe của xã hội và sức khỏe của tinh thần. The health of human being, we have social health, mental health and physical health. Chúng tôi nghiên cứu sâu về sức khỏe của tinh thần và sức khỏe của xã hội tác động đến sức khỏe của thể chất. We do a lot of research about mental health and the social health developed for the health of physical. Khi con người mà có nguồn năng lượng của sự trân trọng biết ơn, có sự bao dung với con người và có sự an vui, thì lúc đó con người có sức khỏe tinh thần tốt nhất. Human being, when we have the energy of gratitude and appreciation, the energy of tolerance and the energy of inner peace. At that state, our mental health is in the peak state. Khi chúng ta nhận được cái sự an vui thật sự của nội tâm, thì lúc đó chúng ta sẽ đạt được trạng thái tinh thần cao nhất. When we receive the true inner peace inside, at that state, our inner world, our inner mind is in the peak state. Chúng ta tìm được một cái luôn luôn chúng ta nằm ở trạng thái nghỉ ngơi trong mọi vận động, trong làm việc và trong cuộc sống nói chung. We can always find out the resting point at everywhere, at work, at rest or any time in our life. Chúng ta có thể thiền ngay trên khi lúc chúng ta làm việc và chúng ta có thiền mỗi lúc mỗi nơi. We can meditate everywhere, everywhere, even when we are working. Nên khi chúng ta vận động, chúng ta có thể vượt được giới hạn của bản thân, vượt được giới hạn của thể chất. Therefore, when we do exercise, we can expand the limits of our physical health. Chúng ta tìm được cái khoảng nghỉ ngơi trong cái vận động, cũng như nghỉ ngơi trong lúc ngủ, nghỉ ngơi trong lúc làm việc, thì khi đó chúng ta sẽ đạt được hiệu suất lao động cũng như trạng thái sức khỏe tốt nhất. When we find out, when we discover the resting point, everywhere and everywhere we do, especially when we sleep, when we work, at that state, our performance is the best. Khi đó tần số rung động của năng lượng của cơ thể là đạt cao nhất. At that point, the vibration of the body and the mind is in the highest point. Khi hiểu được điều này thì chúng ta có thể tìm được quảng nghỉ trong vận động. When we understand this, we can find out the resting point. Tôi có thể lấy ví dụ. I can make an example. Great. For example. So, ví dụ về example. 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 Yeah. Nghỉ. Rest. 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 Nghỉ. Chúng rest. Ta có thể làm được một quãng cách. We can do 10,000 squats. Like bất kỳ ai. Anybody. So, anyone. Yeah. That is a little bit hint about how we can use the power of mind in improving our physical ability. So, with that, we conclude the first part of the press conference. We'll hold the second part with MOU after 2 hours. So please give a brief about your record. Mera record
ब्रेन ट्यूमर के बच्चे को क्योर करने के लिए है, जिसमें मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ नेचुरोपैथी की टेक्निक्स यूज़ किए हैं। और वो जो बच्ची थी, वो बेबी थी, उसको ब्रेन ट्यूमर इतना ज़्यादा हो गया था कि उसको डॉक्टर ने, एम्स दिल्ली ने क्लियरली बोल दिया था कि ये बच्ची एक महीने या मैक्सिमम दो महीने से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती, बिकॉज उसका ट्यूमर ज़्यादा फैल गया था और पस और डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने के कारण उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। बट 11 मंथ के ट्रीटमेंट में ही वो बेबी कम्प्लीटली क्योर भी हुआ और उसके सारे रिकॉर्ड्स MRI CT स्कैन में डॉक्टर्स ने एक्सेप्ट किया है, एम्स ने ही, कि वो बच्ची नेचुरोपैथी की हेल्प से ही कम्प्लीटली ठीक हुई है। सर, आपने डॉक्टर हर्षित, आपने क्या प्रिपरेशंस की थी उसको क्योर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए? उसके प्रिपरेशन के लिए डॉक्टर BRC के गाइडेंस में मैंने जितने भी डाइट प्लान हैं वो सब प्रिपेयर किए थे। इसके अलावा इसके लिए पूरे जो 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उन एलिमेंट्स के कनेक्टेड जो टेक्निक्स होती हैं जो नेचुरोपैथी में अंडर आती हैं, वो किए थे। उसका ड्रेसिंग करना, उसका डाइट मेंटेन करना, उसको जूसेस, काढ़े, फ्रूट सैलेड, ये सब डाइट मेंटेन करने से लेकर उसका जो थेरेपीज थे जो इंस्ट्रूमेंटल होते हैं, वो सब मैंने बाहर से मंगा कर और अपना वृद्धाश्रम में ही उसको हॉस्पिटल, एक मिनी हॉस्पिटल बनाया था और वहीं पर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। Thank you so much, Dr. Harshit, for your words. You may take this. Thank you. Next, I would like to call Kajal Bhachubhai Dhanicha on stage. Kajal, apne record ke baare mein. हेलो, मेरा नाम काजल है और मैं एक क्रोशेट आर्टिस्ट हूँ। मेरा रिकॉर्ड क्रोशेट से रिलेटेड है, जो मेरा आर्ट है। मैंने 42 हर्ट्स कंटिन्यूसली क्रोशेटिंग करके अपना रिकॉर्ड बनाया है। आपको इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? मुझे इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि 42 आवर्स कंटिन्यू विदाउट एनी नैप मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है। इसीलिए मुझे प्रैक्टिस 2 से 3 महीने पहले ही करनी पड़ी थी इसके लिए। Thank you so much, Kajal. Thank you for your words. You may take this. Thank you. Next, मैं Angelica Das को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। Hi, Angelica. Please share a few words about your record. Okay. Hello, everyone. First of all, I would like to thank the entire team of India Books of Record. I am Angelica Das from Assam, a beautiful state of Northeastern India. India Books of Record has given me an opportunity to show my talent, and I have record for playing the Lahori Gogona, for a longest duration, and I will be grateful to them. Thank you so much, Angelica, for your words. You may take your seat. Thank you. All the best for future endeavors. Next, I would like to call Arun Yashwant Rao Kulkarni on stage. So please share a few words about your record. Arun Yashwant Rao Kulkarni, Akola district, from Maharashtra. मेरा जो रिकॉर्ड है, अभी ये तीसरा रिकॉर्ड है यहाँ के इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड का। पहला मैंने गुजरात में गिरनार करके है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उसके 10,000 सीढ़ी का चढ़ना उतरना 4 घंटे में किया था। उसके बाद में उसके जो पहाड़ी है वो 38 किलोमीटर की, वो 11 घंटे में किया था। और आफ्टर नी रिप्लेस है मेरा, अब उस टाइम पर 72 ईयर्स था, अभी 74 है। अभी इस टाइम पर मैंने जो चार धाम किया है, तो बद्रीनाथ से आगे माना गांव है, माना गांव से जो पांडव स्वर्गवास में गए थे वह तो धारा, वसुधारा करके जगह स्पॉट है, तो वहां तक कोई जाता नहीं। वहां पर जाके और उस स्पॉट पे जाके उसका रिकॉर्ड किया, तो उसका 23 किलोमीटर कुछ तो भी 5 घंटे में पूरा है, इस पर है चढ़ के वो रिकॉर्ड बना है उसके लिए। Congratulations, sir. Thank you so much for your words. You may take care. Next, I would like to call Punnaruri Teerthana on stage. Please,
All right, thank you so much everyone. I would like you to all proceed for the next activity. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी यू स्टैंड हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर नॉमिनेटिंग माय डॉटर Dhirdha Samaikya and she is the youngest kid who recited 46 Bhagavad Gita slokas at a time. So we are very very proud of my kid. Sir, how did you make her prepare for this record? We both, her mother and myself, took some time every day, and most of the time her mother only has given training to baby. At the age of 3 months, she started chanting Om Mantra. I am very proud to tell that. After that, I taught Bhagavad Gita slokas every day while sleeping. She do meditation as well. So for 1 minute or 2 minutes. After that, that concentration power has been developed, and in a week, two slokas she is telling. Grasping, so, and reciting. Very grasping power is there. So 2 year to 2 year 6 months, I think. So 25 slokas she is telling. After that, it became three. She came to three. She turned three. At the age of three, she started at 40 slokas. So that I will apply for the Indian Book of Records, like that I thought. So we have applied. We are very proud. Would that you like to recite one sloka for us, quickly? Yeah. Smiley. Recite one sloka. Yada yada hi. Start. Come on. Dharma Kshetra. Till water. Dharma Kshetra. Dharma Kshetra. Pulu. Kshetra. Dharma Vaidya. Yuttama. Mama. Kakpata. Vaidya. Kutta. Kaya. Kutta. Kutta. One more, please. Thank you so much. Now I would like to call Rakesh Chandola on stage. Please join us. Yeah, first of all, thank you so much whole IVR team for taking this opportunity, and I'm feeling very blessed ki mere ko aisa mauka mila that Gayatri Mantra chanting regarding. I just want to tell you that I did Gayatri Mantra chanting for 24 hours. It was stand still position for 24 hours. I didn't move. I was doing in a continuous basis, and उसके साथ impact क्या था, basically ये एक vibration है. मेरा motive क्या था कि गायत्री मंत्र की power जो ऋषि मुनि ने बताई थी उसको just pass on करना था. And मैं कैसे कर पाया, मैं बोलना चाहूँगा कि just because of your subconscious mind you can do anything. And मैं sound पर बहुत research कर रहा हूँ काफ़ी time से कि आपकी body की frequency क्या होती है, vibration क्या होती है, and आपका ऑरा क्या होता है. तो गायत्री मंत्र के बारे में मैंने पढ़ा होता है कि इफ़ यू वांट टू गेट स्पिरिचुअल बेनिफिट्स और मटेरियल बेनिफिट्स, देन द गायत्री मंत्र हैज दैट पावर दैट कैन टेक यू इन अनदर लेवल. तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी, और गायत्री मंत्र मैं बचपन से चैंट भी करते हुए आ रहा था. तो 24 घंटे मैंने लगातार एक पोजिशन में बैठ के बिना मूव करे, बिना आँखें खोले, बिना कुछ वहाँ से कुछ किए हुए लगातार उसको चैंट किया था. उसके बाद जो वाइब्रेशन मुझे फील हुई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, तो उसका एक पार्ट था. और सबसे अच्छी बात यह है कि IBR टीम के थ्रू मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पास ऑन करने के लिए, बिकॉज मेरा मोटिव है लोगों को सर्व करना, लोगों के लाइफ में पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस एंड खुशियों को स्प्रेड करना, और उसका एक मौका मिला IBR टीम से. तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी होल IBR टीम का. और मैं जस्ट एक आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे साउंड फ्रिक्वेंसी मैच करती है, या कैसे आपको आपके ऑरा को चेंज करी होती है.
तो मैं यहाँ पर तीन आपको प्ले करके दिखाऊंगा। उसका मोटिव क्या है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी में आप अलग अलग फील करेंगे। का साउंड आपने देखा होगा कि वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे फ्लो किया था। इट मींस क्या था कि आपके हर फ्रीक्वेंसी में आपके अंदर अलग वाइब्रेशन पैदा हो रही होती है। तो इसका मेरा मोटिव है कि साउंड फ्रीक्वेंसी या अपने शब्दों के थ्रू आप अपनी लाइफ में और अपनी किसी और पर्सन की लाइफ में आप पॉजिटिविटी और उस एनर्जी का संचार कर सकते हैं। तो इस पर मेरी रिसर्च भी चल रही है और मैं फिर से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी टीम का कि मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये इसको फोकस करने का और अपने थ्रू लोगों तक एनर्जी पास ऑन करने का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं IVR का आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो हम सबको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है। जो रिकॉर्ड हम लोगों ने बनाया था उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले हमारा एक्सपीडिशन जो गया था वो माउंटेनियरिंग के लिए गया था। एक यूनम नाम की पीक है लद्दाख और मनाली रोड के ऊपर जो कि 20,910 फीट हाइट की है। उस पीक को लेके हम 100 बच्चों का ग्रुप लेके गए थे। उसके अंदर 22 बॉयज थे, 22 डिसेबल्ड बच्चे थे और बाकी सारी लड़कियां थी। तो एक बड़ा ग्रुप था हमारा जिसको मनोहर लाल कट्टर जो आजकल सेंटर में मिनिस्टर है उन्होंने हमें फ्लैग ऑफ किया था 2022 में। पीक क्लाइंब करने के बाद में जो 20,000 फीट की पीक है उसको क्लाइंब करने के बाद जब हमारी टीम वापस आई तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ यूनिक सा किया जाए। तो हम पूरी टीम में से 68 लोगों को लेके, क्योंकि बाकी सारे फिट नहीं थे क्लाइंब करने के बाद, 68 लोगों ने फिर दोबारा से क्लाइंब करके बड़ाला से पास पे 15,910 फीट पे 21 जून 2022 यानी कि इंटरनेशनल योगा डे था जिस दिन, उस दिन उन्होंने उस हाईएस्ट अल्टीट्यूड के ऊपर योगा परफॉर्म किया। ये हमारी अचीवमेंट है। और 15,910 फीट आप समझते हैं कि सियाचिन की हाइट से भी ज़्यादा है। तो सब जीरो टेम्परेचर के अंदर हमारे 68 बच्चों ने और टीचर्स ने ये अचीवमेंट अचीव की। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मेरे साथ में मिस्टर राम कुमार जी थे हमारे को लीडर। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी अपने हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन सभी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं ये थाउजेंड्स बच्चों को ये एक्टिविटी करवा चुके हैं। नॉट ओनली इन हिमाचल, उत्तराखंड हो, कोस्टल ट्रैकिंग हो, चाहे अपना केरला हो, तमिलनाडु हो, और दार्जिलिंग है, जैसलमेर है, डिफरेंट टाइप के जो नेचर स्टडी के प्रोग्राम्स हैं वो बच्चों के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं, हरियाणा स्टेट इज़ द ओनली स्टेट
जहाँ एडवेंचर के प्रोग्राम और एक्सपीडिशंस के प्रोग्राम बच्चों के लिए किए जा रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे इनमें पार्टिसिपेट करते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात तो ध्यान में आई, इससे 2022 का जो ये आप हमें एक रिकॉर्ड के लिए रिकग्नाइज कर रहे हैं, इसके पहले 75 बच्चों का एक ग्रुप यूनम पीक पर गया था और 75 मीटर का नेशनल फ्लैग वहाँ पर हमने प्रदर्शित किया था पूरी टीम ने, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी क्लेम कर सकते हैं, तो तब किसी ने बताया तो फिर नेक्स्ट टाइम हमने। सो नमस्ते एवरीवन, आई एम कंचलो श्रीमेथराज एंड आई एम स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड। सो डू यू नो दैट वी कैन मेक इंडिया द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई डूइंग सच सिंपल थिंग्स दैट यू कैन बाई द नॉर्मल ग्रोसरीज थिंग्स इन योर डेली लाइफ बाई ओनली बाइंग इंडियन प्रोडक्ट्स। I have been inspired this from Narendra Modi's speech in the Mann Ki Baat where he told vocal for local, lucky kal ke liye local, where he told it nothing means that to buy only Indian products which are made in India and make in India. So if we buy only Indian products which are made in India, we can increase our economy and also our GDP. So after I have designed this app by inspiring from Narendra Modi's speech so that everybody can buy Indian products. In the app there are only Indian products registered and only Indian products are encouraged so that everybody can also buy Indian products, and I also included a quiz and also games so that everybody gets encouraged. So after submitting this program into a competition called NCRC National Coding Robotics Challenge, in that competition I have been selected in the level 2. In the level 2 they asked me to make a robot, so I made a robot called the Shreyas the Caring Bot which is used in the pandemic time in the schools, so it will read the temperatures of the students so that nobody is affected of the ill student, and also it sanitizes the classes periodically so that it will maintain hygiene, and also it will make it will also give masks to the students whoever sneezes it, and also they can throw the old mask in the bin so that they can sanitize their hands and also keep a new mask. For this they after submitting this project, for this they have awarded me the first national first in the senior category of the NCRC. So in the they also awarded me the IBR record, which is record that an innovative robot made by a child. Thank you so much. Thank you. Great initiative.